ऐसा लगता है कोई घर तुम्हारा अगर मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो आप हंस के हंस मेरे कर लगते हैं, लेकिन कौन सी बात आ गई, इतना क्यों रोटी हुए, आपकी आंखों से आंखों चलक रही है, बात क्या है? बता रहा हूँ बेटी, अगर तू मेरा उदासी का कारण जानना चाहती है, ठीक है बेटी मैं बता रहा हूँ। बेटी उस दिन अगर तेरा कहा मैं माना होता, बैजू को ठाकुर मदन सिंह के पास नहीं ले गया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी आखिर क्यों? बेटी जब उस दिन मैं बैजू को ठाकुर मदन सिंह के पास लेकर गया, तो ठाकुर मदन सिंह ने बैजू का कत्ल कर दिया। क्या? उन्होंने कत्ल कर दिया? बैजू का कत्ल करने के बाद उसके बाद मैंने पूछा ठाकुर साहब मेरा पैसा कैसे मिलेगा, उसने कहा पैसा तुम्हें 70,000 पूरा मिलेगा प्लस 1,00,000 रुपए मैं दूंगा। मैं कहा वो क्यों? कहते हैं अपनी बेटी किरण के साथ मेरी शादी करा दो। नहीं पिताजी नहीं। बेटी उसके बाद मैंने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, हराम ज्यादा मेरे ऊपर भी छुरा उठा लिया। पिताजी मैं बेबस होकर बेटी उसका कहा मान लिया, उसके बाद तुम्हारे पास आया। क्या कहा पिताजी? पिताजी उधर काया मान लिए। क्या कहता बेटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसका पिताजी पिताजी मैं शादी उस दिन करूंगी जिससे मैं प्यार करती। बेटी तू तो किसी से प्यार करती है? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाला है? पिताजी मैं जिसे प्यार करती हूँ उसका नाम धर्म है। क्या बेटी? हाँ पिताजी। तू जिससे प्यार करती है उसका नाम धर्म है? हाँ पिताजी। यानी वो महाराज दुर्जन सिंह का बेटा? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, इस समय कहाँ पर है उनसे मुलाकात कराइए। पिताजी आज मैं उन्हें 8 दिन से मैं छुपा कर रखी हूँ। 8 दिन से? हाँ पिताजी। मुझे पता भी नहीं लगा, मेरे से बताई भी नहीं। हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, पहले धर्म से मेरी मुलाकात कराइए, उनसे कुछ बात करूंगा। धर्म जी ये देखिए मेरे पिता। कहिए भैया। धर्म बोलिए, आप हमारी बेटी से प्यार करते हैं? करता हूँ। ठीक है, लेकिन आज आपके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट। हमारे ऊपर तो संकट चल ही रहा है। जी हाँ, आपके साथ साथ हमारे ऊपर भी संकट आ गया है। आपको ये दोनों संकट से पार लगाना है, यही आपसे विनती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या संकट है बताओ? आपके ऊपर का जो संकट है, आपका चाचा जो मदन सिंह है, आपके पिताजी को कैद कर रखा है, कल 12 बजे उनकी फांसी करेगा। हमारे पिताजी को मदन सिंह ने कैद कर रखा है? जी हाँ। और कल 12 बजे फांसी होगी? जी हाँ। धर्म के रहते हुए हमारे पिताजी फांसी तो नहीं? आपके पिताजी की कल 12 बजे फांसी होगी, और फांसी होने के बाद वो मेरे से एक वचन ले लिया है, मेरी बेटी से शादी करेगा। क्योंकि मैं भी पहले गलती कर बैठा हूँ, गलती हमारी यही है धर्म, कि बैजू किसान को मैंने पैसा दिया था, बैजू किसान ने मेरा पैसा वापस नहीं दिया, उसके बाद मैंने अपनी बेटी का कहा नहीं मानकर बैजू किसान को ले गया मदन सिंह के पास, मदन सिंह ने बैजू किसान का कत्ल कर दिया। उसके बाद जब मैं पैसे की बात किया तो वो हरामजादा मेरे से सौदा कर लिया, कहता है मैं तुझे 1,70,000 रुपया दूंगा, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। मैंने कहा ठाकुर साहब ऐसा नहीं होगा। वो हरामजादा छुरा निकाल लिया, उसके बाद कहता है अगर मेरी बात को नहीं मानता है तो जो हाल बैजू का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा।
भैया धर्म, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने पिता की जान पहले बचाइए, उसके बाद हमारी बेटी की इज्जत आपके हाथ में है, हमारी बेटी की इज्जत भी आपको ही बचाना है, उसके बाद हमारी भी रक्षा आपको ही करना है। वाह, अब सिखाई। तब तो पैसे के कारण बैजू किसान को वहां पे लेकर गए, बैजू किसान का कत्ल हुआ, आज अपने बेटी का सौदा कर लिया, तो तुम बेटी के शादी करने के लिए अपना जान बचा लिए ना? मैं क्या करता, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मैं चलता हूँ अपनी बेटी के पास, वही कोई मुझे रास्ता बताएगी, अन्यथा शादी तो करना ही पड़ेगा। देखो चिरंगीलाल सिंह, मैं पिताजी का तो जान बचाऊंगा, साथ ही साथ किरण किससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और किरण का इज्जत बचाना हमारा धर्म है, ठीक है, लेकिन बचाऊंगा, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा? तुमसे मदन सिंह ने सौदा किया है, आज धर्म भी सौदा कर रहा है। ठीक है, आपका भी सौदा मुझे मंजूर है, मंजूर है, क्या करना पड़ेगा? अगर मेरा सौदा मान जाओगे तो तुम्हारा भी जान बच जाएगा, तुम्हारे बेटी का इज्जत भी बच जाएगा, हमारे पिताजी का जान भी बच जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर आपकी एक बात से तीन लोगों की जान बच जाती है तो इससे अच्छा क्या होगा, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो देखिए चिरंगीलाल, तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी किरण नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। फिर तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं छोड़ेगा? अगर किरण नहीं जाएगी, अगर मैं अकेला गया तो हरामजादा मुझे मार डालेगा। देखो, मैं किरण रूप बनाऊंगा, किरण का रूप बनाकर तुम्हारे साथ किरण बनकर चलूंगा। यानी हमारी बेटी न जाके हमारी बेटी का रूप धारण करके आप हमारे साथ चलेंगे? तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वहाँ मदन सिंह के पास ये मत कहना ये धर्म है, यही कहना हमारी बेटी किरण आ गई है। ठीक है, उसके बाद देखना मैं कैसे किरण की जान बचाता हूँ, अपने पिताजी का जान बचाता हूँ, तुम्हारा भी जान बचा लूंगा। ठीक है भैया धर्म, आपकी बात मुझे मंजूर है, फिर देरी मत कीजिए, चलिए, क्योंकि वो हरामजादा आपके पिताजी को कैद कर रखा है। ठीक है, तो चलिए किरण धरा। देखो किरण, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारा भेष, तुम्हारा रूप बनाकर जा रहा हूँ। ठीक, वो चंपवा बेस्या बहुत चलाक है। हाँ, चलाक तो है। और तुम पीछे से तुम्हें आना है। ठीक है, मैं आऊंगी। जब आओगी उसके बाद उसका पीछा तुम्हें ही करना है। ठीक है, और मैं पहले जा रहा हूँ, जो काम मेरा है मैं करूँगा, लेकिन जो तुम्हारा काम आएगा वो तुम्हें भी करना है। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ। हाँ, बरात मालिक से, बरात मालिक के तरफ से एक आवश्यक सोचना है, पूर्व बरातियों के लिए दो चार गाड़ियाँ छूट रही है, जिन बराती भाई साहब को घर जाना हो तो गाड़ी पे बैठकर तुरंत तत्काल जाए, और हमारा खेल 10 मिनट का और रह गया। ठीक है मास्टर जी, मैं भी जल्दी हूँ, क्यों समय नहीं है। आरपी आवाज दीवान से अरियनारी बैलिया आई देवर तन
चंपा नाव के आबो चंपा कहाँ रह गए आवत है नावत है नावत है दूर तावत है नाव के अब तो फांसी की तैयारी होगी ना बाबूजी को जल से बाहर ले क्यों भैया जी आप कहिए मदन आराम तो होगा भैया बहुत आराम है तुमको आराम है ना ठीक है घबराओ नहीं चंद मिनट में हमेशा हमेशा के लिए आराम हाँ ठीक है आराम हो जाएगा ना ओके चल फांसी की तैयारी कर भैया बोलो चंपा अरे भैया तबीयत पानी कैसी है अरे चंपा अगर मैं बेटा धर्म के बात को मान लिया होता तुम्हारे सामने सर झुका नहीं पड़ता मतलब अगर तबीयत ना ठीक हो तो बताना मैं ठीक कर दूंगी भैया नहीं नहीं हमारी तबीयत ठीक है लेकिन किरण किरण को लेकर सेठ चिरंगी लाल अभी तक तो आया नहीं सेठ चिरंगी लाल वादा करके गया था ठीक है मैं जरूर लिवा कराऊंगा लेकिन अभी तक वो आया नहीं इंतजार करता हूँ ठाकुर साहब नमस्कार 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 क्यों सर चिरंगी लाल हाँ ठाकुर साहब क्यों खाली हाथ नहीं ठाकुर साहब किरण कहाँ गई मैं खाली हाथ आ सकता हूँ वादा का पक्का इंसान हूँ वादा किया था वादा जरूर पूरा करूँगा हमारी बेटी किरण हमारे साथ आई है ठीक है कहाँ है आप देखना चाहते हैं अरे यार बिल्कुल देखना चाहता हूँ ठीक है देखना नहीं बल्कि शादी करना चाहता हूँ ठीक है आप ज्यादा उतावले मत हो आपकी शादी तो होगी हमारी बेटी किरण के साथ ठीक है